कर्टन कॉल के लिए हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे 95 FM तड़का के RJ समीर को। बहुत ही कमाल का ये नाटक आपने देखा, मैं भी देख रहा था बहुत देर यहाँ बैठा, फिर बैक स्टेज में देख रहा था तलवार, ये खूबसूरत सा नाटक। और सबसे पहले आज जितने भी इस नाटक के कलाकार आपके सामने मौजूद हैं, इनसे आपकी बातचीत होने से पहले और मेरी भी बातचीत होने से पहले, सबसे पहले मैं आपकी बहुत ही खास बात बताना चाहूँगा सभी को। आप सभी ध्यान से सुनिए, जो इस नाटक तलवार के डायरेक्टर साहब राजेंद्र सिंह पायल जी, वो आज यहाँ पर नहीं है इस नाटक में, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो ICU में एडमिट हैं दिल्ली में, तो उन्हें इस कारण से जाना पड़ा। तो मैं सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग दुआ भी करिए, मैं भी दुआ करूँ और आपसे दुआ करें कि उनकी बेटी की तबीयत जल्दी ठीक हो और वो जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस आएँ और फिर से हम डायरेक्टर साहब को भी ऐसे मंच पर वापस देखें और वो शोभा बढ़ाएँ। तो ये तलवार नाटक, सबसे पहले तो मैं सवाल आप सभी से यही करना चाहूँगा कि आज कैप्टन के बिना, आज कैप्टन के बिना तलवार नाटक आपने पेश किया, कितना मुश्किल हुआ? और शो मस्ट गो ऑन जो ये एक सेंटेंस है, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसका मतलब बहुत बड़ा है, तो आज वो आपने करके दिखाया बिना कैप्टन के। हमने इतना अच्छा तैयार कर दिया सर ने, इतना अच्छा रिहर्सल करवा दिया था कि हमें उनकी कमी ऐसी लगी नहीं। मुझे तो जिम्मेदारी भी थी, जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी भी बनी, और मेरे को तो लगे नहीं कि वो यहाँ है, 24 घंटे डर लग रहा था, उनको घर पे भी लगता है यही बैठे हैं। तो क्या वो सर थे जब आप प्रैक्टिस करते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो कहीं भी है, अभी वहाँ पर है, बिजी है, परंतु उनकी आत्मा हमारे साथ है, वो मतलब वहाँ पर दिल से जुड़े हुए हैं, तो ये हमें वहीं से व्हाट्सएप से कहा कि वैष्णव का मुझे मालूम है तुम लोग संभाल लोगे,